हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए शो द चेस्टनट मैन को, जो कि एक मिस्ट्री क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे डायरेक्ट किया है लीजा एम जॉन ने। तो वही शो की कास्ट में है टैनिका कर्से, मिकेल फॉल्सगार्ड, इवन टर्नर एंड एस्पेन टेलगार्ड। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत एक लड़की के मर्डर से होती है जिसका एक हाथ मिसिंग है और उसके पास एक चेस्टनट मैन की डॉल पाई जाती है, जिस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी यंग डिटेक्टिव नाया थुलिन और उसके पार्टनर मार्क हेस को दी गई है, जो केस कैसे कनेक्ट सोशल मिनिस्टर रोजा हार्टन की बेटी से होता है जो करीब एक साल पहले ही मर चुकी है। तो वही क्या है इस चेस्टनट मैन के पीछे की मिस्ट्री, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ब्रांड न्यू डैनिश क्राइम थ्रिलर सीरीज द चेस्टनट मैन। जिसकी सबसे पहले कास्टिंग की बात करूं तो शो के दोनों ही मेन लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस एक वर्ड में कहूं तो लाजवाब है, जिन्होंने डिटेक्टिव्स के रोल को इतने अच्छे से प्ले किया है कि उनकी एक्टिंग तो शो में हमें पसंद आती ही आती है, बाकी शो से भी हम पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसका रीजन है ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस जिसमें बाकी सभी एक्टर्स भी शामिल है जिनकी एक्टिंग भी शो में काफी बढ़िया है। और अब बात कैरेक्टर्स की भी कर लेते हैं, जिनकी डेवलपमेंट भी शो में बहुत ही अच्छे से की गई है, जिसमें प्रोफेशनली नहीं पर्सनल लाइफ पर भी फोकस किया गया है। स्पेशली नाया थुलिन के कैरेक्टर, जिसे हम पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को एक साथ मैनेज करते और स्ट्रगल करता हुआ देखते हैं। बाकी हैस का कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है और शो के बाकी सभी के सभी कैरेक्टर्स भी। और अब बात डायरेक्शन और कहानी की करूं तो अगर आपने कई सारी क्राइम मिस्ट्रीज पर बनी मूवीज और शोज देख रखे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शो अलग अपने लाजवाब डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की वजह से बनता है, जिसमें हमें काफी जबरदस्त एक्शन या लोकेशंस देखने नहीं मिलती, क्योंकि शो का बजट इतना नहीं था, जिसके चलते शो फोकस अपनी स्टोरी कैरेक्टर्स और मिस्ट्रीज पर करता है जिन्हें शो में बहुत ही अच्छे से बिल्ड किया गया है, जिसका हर एक एपिसोड अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट एंड टर्न से भरा पड़ा है और स्टार्ट टू एंड तक हमें शो से बांधे रखता है, जिसके सस्पेंस को भी काफी अच्छे से बिल्ड किया गया है, जिसका बीजीएम भी अच्छा है और थ्रिलिंग मोमेंट्स भी जो हमें थ्रिल करने में पूरी तरीके से कामयाब होते हैं। पर बात एडिटिंग की करूं तो ये एक स्लो बर्न शो है जो स्टोरी और कैरेक्टर्स को बिल्ड करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम लेता है, जो कि सही भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शो में कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट लिटरली काफी अच्छे से की गई है, जिसके फर्स्ट एपिसोड को आपको पेशेंस रखकर देखना होगा, क्योंकि सेकंड एपिसोड के बाद ये शो इंटरेस्टिंग होता चला जाता है, जिसके एपिसोड्स की गिनती है 6 और हर एक एपिसोड 50 से 1 घंटे के बीच में है, जिसकी लेंथ और एडिटिंग दोनों ही मुझे पसंद आई, क्योंकि इसके हर एक एपिसोड को मैंने काफी इंजॉय किया है। तो ओवरऑल मेरी नजर में द चेस्टनट मैन इस साल की एक काफी अच्छी बनाई गई मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। पर आप इसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। द चेस्टनट मैन को मैं दूंगा 4 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था द चेस्टनट मैन को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने शो पहले से ही देख लिया है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना आपको ये शो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।